हाय गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं इस वीडियो में आईफोन XR का करने वाला हूँ iOS 17.2 पर रिव्यू। ये मेरा आईफोन XR है जी, बिल्कुल ये आप आईफोन 14 प्रो ना समझना, ये है आईफोन XR और ये रन कर रहा है iOS 17.2 के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको इसका अबाउट सेक्शन दिखा दूँ कि आईफोन XR iOS 17.2 के ऊपर रन कर रहा है। योर सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 17.2। सो बेसिकली इस अपडेट में आपको क्या खास चीज़ें देखने को मिलती हैं, सो ये मैंने अपना iPhone XR को 14 Pro में कन्वर्ट कर रखा है हाउसिंग फिट करके। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये iOS 17.2 के ऊपर रन कर रहा है और मॉडल नेम iPhone XR है। सो इस अपडेट में क्या खास चीज़ें नहीं आई हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने कुछ ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखे थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो फोटोज़ ऐप में, मैंने कुछ जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे उनको कंपैरिजन करता हूँ। इस अपडेट का जो साइज़ है ना, वो मुझे को देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1.5 GB के आस डेढ़ जी बी के आसपास 1.5 GB के आसपास आईफोन XR में। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस फ़ोन में अपडेट कर रहे हो और किस फ़ोन से किस अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट से इंस्टॉल कर रहे हो सॉफ्टवेयर अपडेट को। सो यहाँ पर स्पेशली मैंशनड है दिस अपडेट इंट्रोड्यूसेस जर्नल ऑल न्यू वे टू रिफ्लेक्ट योर लाइफ मोमेंट्स एंड प्रिजर्व योर मेमोरीज। सो काइंड ऑफ कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस और बग फिक्सेस हैं इस अपडेट में और कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, दैट्स इट। सो बेसिकली ये जो अपडेट है ना, मेजरली आईफोन 15 सीरीज़ के लिए आया है, जिसमें आईफोन 15 सीरीज़ में इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया है। और बेसिकली जर्नल एप्लीकेशन इस अपडेट में नहीं आई है, वो आपको आपके आईफोन की होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। सो इट्स जस्ट ओनली अ न्यू जर्नल एप्लीकेशन इन दिस अपडेट एंड काइंड ऑफ सम न्यू बग फिक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पर इस अपडेट में दोस्तों जो बढ़िया चीज़ क्या है कि सिस्टम डेटा वाली जो स्पेस है ना, वो बहुत सारी एप्पल ने फ्री करके दे दी है। जैसे कि आईफोन स्टोरेज स्पेस में चलते हैं तो सिस्टम डेटा ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है इस अपडेट में। मेरे आईफोन 13 में 50 GB से लिटरली 15 GB हो गया सिस्टम डेटा और मेरे को काफ़ी 30-40 GB फ्री स्पेस देखने को मिल गई। ओमर ओवर अगर मैं एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद में मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है ना XR की, वो 78 ही है। अभी तक ड्रॉप नहीं हुई है, पहले भी 78% हेल्थ थी और अभी भी 78 है। उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मॉडर्न फर्मवेयर है ना, वो चेंज हो रखा है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो मॉडर्न फर्मवेयर, यहाँ आईफोन 13 में चेंज हुआ है लेकिन इस अपडेट में बिल्कुल 60,000 ही है, मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ इस अपडेट में। काफ़ी बड़ा अपडेट था। आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ लास्ट में। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो कंक्लूजन ये है कि इस अपडेट को अभी अपने आईफोन XR के ऊपर इंस्टॉल ना करना, क्योंकि अभी जो है ना, ये 2 दिन हुए हैं इस अपडेट को रिलीज़ हुए। अभी मैं इसको ऑलमोस्ट 1 वीक तक फुल रिव्यू करूँगा, फुल यूज़ करूँगा, टेस्ट करूँगा, फिर बैटरी टेस्ट करेंगे, नेटवर्क टेस्ट करेंगे, वाईफाई वगैरह कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, फिर जाकर आपको कंक्लूजन दूंगा। सो जस्ट वेट फॉर दीज डेज और जैसे ही मैं कंक्लूड करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। सो फेस आईडी वगैरह तो प्रॉपर वर्क कर रही है, स्पीकर्स वगैरह ब्लूटूथ वगैरह भी सही वर्क कर रहा है। बाकी लेट्स सी कैसा अपडेट आगे चलकर अपने रंग दिखाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस।